तो भाई अभी एक छोटा सा लड़का है यार, ये क्या बोलते हैं उसका नाम, तुम बोलो ना यार, इंग्लैंड स्केट ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो भाई अभी वो पहन के ये रोड पे चलता है, जो कि ये रोड बहुत ही बेकार है जिस पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन ये बंदा अभी उस पे चल रहा है। बहुत देख के मैं तो हैरान हूँ काफ़ी। अभी आपको दिखाने वाला भाई, मेरी भाषाओं में समझना चाहते हो तो भाई, अपना पहिए वाला शूज होता है ना, वो बंदा ये पहन के चल रहा है तो ऐसे रोडों पे, जिसके लिए तो अपना प्लेन चाहिए एकदम क्लीन, लेकिन अभी ये इस रोड पे चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बहुत मुश्किल है लेकिन चलना बहुत, मुझे देखकर भाई अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी लड़के से पूछे, उसका नाम इंग्लैंड स्केट बोलते हैं, लेकिन मुझे उतना क्लियर मुझे खुद नहीं आ पा रहा है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी के सफ़र में। आज ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, पर फिर भी मैं ब्लॉग बनाने के लिए आ गया हूँ। तो आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं मेरे दोस्त की दुकान पे। तो दोस्त की दुकान क्या है, वो प्लास्टिक का ठेला लगाता है, तो वहीं पे अपना ठेले वेले में जो कुछ भी बेचता है वो आपको दिखाता हूँ, और फिलहाल उसका वही काम है। तो पहले तो मेरे साथ में काम किया करता था, वो काम छोड़ के अभी वो प्लास्टिक का धंधा करने लगा है। तो अभी हम आए हैं दोस्त के पास, और एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो आप सुनोगे तो शायद लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है वो है, ये सच है। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दोस्त का जहाँ पे ठेला लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले ये दिखाता हूँ, पीछे जो एक टावर है ना, जो पीछे टावर, इस टावर में अपने भोजपुरी के सुपर स्टार रवि किशन जी रहते हैं, और यहीं पर रहती है अक्षरा जी। तो अभी मेरे दोस्त को पता रहेगा वो कौन से महल पर रहते हैं, कौन सा उनका हुआ है, मैं अभी अब दोस्त से भी पूछवाता हूँ। बाकी इसके बाद भी दोस्त का क्या बेचता है वो आपको दिखाता हूँ, और एक लड़का है उसके बारे में भी आपको मिलाने वाला हूँ। तो पहले आपको अपने दोस्त से मिलाता हूँ, उसके बाद इसको पूछता हूँ, उससे बताता हूँ। तो दोस्त है मेरा, दोस्त का नाम है गुप्ता। क्या बात है यार, तू तो टकला हो गया। अरे गजब, एक नंबर रावस लग रहा है भाई अपना, टकला ये क्या है तेरा। तो भाई अपना दोस्त है, बहुत फनी बंदा है। तो ये बता नहीं, पीछे में अपना टावर है, इसमें रवि किशन की कौन सी महल रहते हैं? रवि किशन के रॉय महल पर रहते हैं। रॉय महल पर अच्छा, और अक्षरा सिंह का आइडिया नहीं किस महल पर रहते हैं अभी, मालूम नहीं पड़ा। हाँ अभी मालूम, मुझे तो चौथा माला कुछ सुनने में आया था। हाँ तो चौथे ही रहते हैं। तो पीछे देख रहे हो आप जो टावर है, यही पे मेरा दोस्त लगाता है अपना ठेला, जो प्लास्टिक का सामान, कुछ भी लेना चाहो तो आप इनसे मिल सकते हैं। एड्रेस क्या है? लक्ष्मी नगर गोरेगांव वेस्ट में लक्ष्मी नगर। तो लक्ष्मी नगर पे लगाता है मेरा दोस्त ठेला। तो यहाँ पे आप प्लास्टिक का कोई भी सामान लो, फुल डिस्काउंट। मेरा नाम बताओगे या मेरे चैनल का नाम बताओगे तो फोकट में तो नहीं देगा, तो इधर मत बोल, तो और भी सस्ता रहेगा। तो भाई अभी एक छोटा सा लड़का है यार, ये क्या बोलते हैं उसका नाम, तुम बोलो ना यार, इंग्लैंड स्केट ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो भाई अभी वो पहन के ये रोड पे चलता है, जो कि ये रोड बहुत ही बेकार है जिस पे चलना मुश्किल होता है, लेकिन ये बंदा भी उस पे चल रहा है। बहुत देख के मैं तो हैरान हूँ काफ़ी। अभी आपको दिखाने वाला भाई, मेरी भाषाओं में समझना चाहते हो तो भाई, अपना पहिए वाला शूज होता है ना, वो बंदा ये पहन के चल रहा है तो ऐसे रोडों पे, जिसके लिए तो अपना प्लेन चाहिए एकदम क्लीन, लेकिन अभी ये इस रोड पे चल रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। बहुत मुश्किल है लेकिन चलना बहुत, मुझे देखकर भाई अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी लड़के से पूछे, उसका नाम इंग्लैंड स्केट बोलते हैं, लेकिन मुझे उतना क्लियर मुझे खुद नहीं आ पा रहा है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं, अभी चलना, तुम चल के बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तुम तो भाई का नाम आयान है, छोटा अपना भाई है, अपना भाई का नाम आयान है। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मीठा नगर में। भाई मीठा नगर, मुंबई के मीठा नगर में पढ़ते हैं सिक्स क्लास में। तभी हम दिखाते हैं इनका चलने का, वो चलो। तो भाई लोग ये कैसे दोस्त है, बहुत ज़्यादा झगड़ता रहता है। तो अभी ये छन्नी, इसको क्या बोलते हैं, चलनी, कौन सा त्यौहार आने वाला है? अरे बिहारी लोग को क्या बोलते हैं, बिहारी लोग का क्या, सब लोग का होता है करवा चौथ। करवा चौथ आने वाला है। हाँ तो करवा चौथ के लिए चलनी होती है, जिसमें से चांद को देखते हैं। तो अभी भाई उसको इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है या फिर बांध के रख रहा है? बेचने वाला हूँ। अच्छा बेचने वाला है। तो भाई की ये दुकान है, तो अभी दिखाते हैं हम आपको दुकान। तो भाई ये मेरा दोस्त ना, जब देखो तब झगड़ा करता रहता है। अभी बोल रहा तुझको यहाँ पे आने के लिए, मुंबई आने के लिए टिकट किसने दिया? अरे टिकट भाई मैं खुद के पैसे से खरीद के आया,
कोई देता थोड़ी ना है। तुझे कौन दिया ये तो बता। तू एरोप्लेन से आया, अब एरोप्लेन का टिकट किसने दिया ये तो बता। ये देखो ऑनलाइन जैसे लग रहा मामा का काउंटर है, टिकट काउंटर ससुर जी का। ससुर जी का है मेरे, एरोप्लेन का टिकट वहीं करवाते हैं। तो भाई इसके ससुर जी का क्या है, एरोप्लेन का क्या है, टिकट काटते हैं। अरे वो चूतिया काटते यार, टिकट काटते थोड़ी ना बोलते उसको। तो अभी भाई दोस्त अपने दुकान में बिजी है, कस्टमर आ चुके हैं तो उसमें बिजी है। अभी बहुत सारी मस्ती करेंगे इसके साथ, आप बने रहो मेरे यूट्यूब चैनल पर। शिव भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये गुप्ता ना तुम्हारी बुराई कर रहा है। हाँ तो क्या बोल रहे थे, बोलना हम नहीं बोलेगा। क्या बोल रहा स्पोर्ट का मैनेजर, तू खुशी स्पोर्ट मैनेजर है भाई, गलती हो गई यार। तुम्हारे पैर किधर है, तुम्हारे पैर किधर है सरकार। तो भाई हम लोग पहले काम करते थे ना, पहले जहाँ काम करते थे ना भाई वहाँ बहुत सारी मस्ती करते थे, कल भी मस्ती करते थे आज भी मस्ती कर रहा हूँ। तो क्या एक नंबर रावस बोतल है भाई, मुझे तो मस्त लग रहा है यार। चोरी कर लूँ क्या, करूँगा किसका यार दोस्त किसी सौफ है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं दोस्त, ऑलरेडी ऐसे देते रहते, एक टिफ़िन दे रखा है मुझे, पैसा भी नहीं लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त दोस्त है, तो बहुत मस्ती हुआ अभी हम इसके साथ में। तो बेचते रहते, अरे चिल्लाने यार कैसे चिल्ला के बेचते हैं, सब काम नहीं है। तो चिल्लाने वाला काम नहीं है, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी क्या, तेरा सामान तो बिकेगा। देख रहे हो दोस्त चिल्ला उल्ला नहीं रहा है, मतलब कुछ भी कैमरा आना ना इसके लिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत चिल्लाते रहता है। चिल्लाना भाई, भाई वायरल होगा तेरा सामान, लोग दूर दूर से आएंगे लेने इधर, है कि नहीं, क्या बोलते। समझता ही नहीं है यार, कैसा आदमी है यार, क्या बताऊँ। अभी 13 साल पे तो बाल ही नहीं बचा, तू बताएगा क्या, तेरे बारे में बोलूँ क्या मैं इधर। मोहब्बत यार ना जब 2 नंबर में रखा हुआ है, मतलब टोपी क्या लगा लिया, परेशान हो गया टोपी का नहीं साला। अभी अभी ना क्या बोला, झुकेगा नहीं साला, अभी साला इधर कुछ गिर जाएगा ना तो बराबर झुक के उठाएगा। कैसा बोलता है रे तू भाई, कैसा बोलता, मैं झुकेगा नहीं, झुकने वाली पहुँच कर ना जरा, क्या मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा नहीं बोलना, नहीं भी झुकना पड़ जाएगा, पैसा भी गिरेगा। तो कौन था देखा था ही, अरे देखने के लिए तो मैं बनाता हूँ, लोग देखे ना। एक टोपी दिया कि मजाक किया, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है भाई। अभी तो टकले पे अच्छा लग रहा है, अभी तो टोपी को भूल गया, चलेगा ये। अरे बाप कसम चुना ही नहीं है भाई, टकला क्यों हो गया था भाई। नहीं नहीं सीजन आया था बारिश का, अच्छा बारिश सीजन आया था, इसे भाई बाल ने सफ़ा करवा दिया है। तो भाई का ये दुकान है, तो कुछ बताओ यार इसके बारे में, अगर एक कंघी वगैरह लेना हुआ तो क्या रेट की है। 5 रुपये 10 रुपये नींबू निचोड़ने वाला है, 40 रुपीज का। अच्छा नींबू निचोड़ने का 40। और क्या चाहिए बताइए आप, आईना हुआ 20-30-40 रुपीज का। अच्छा अच्छा, और जैसे देखो लकड़ी आया नया न्यू पीस आया है, हाँ इसका 60 रुपीज है, 60 रुपये प्राइस है भाई। आइए और क्या पूछना चाहते हैं आप, लेना चाहते हैं सर। पूछना क्या, अभी जैसे आ रहा है अपना करवा चौक, तो करवा चौक की ये चलनी है, तो इसका क्या प्राइस है। डिस्काउंट 10% है सर। अच्छा 10% के डिस्काउंट भी आप दे रहे हो, केले पे 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट अच्छा कितने का पड़ेगा भाई। 40 रुपीज़ का पड़ेगा आपको, 10% डिस्काउंट देगा 40 रुपये दूंगा तो सर। 10% डिस्काउंट करके आप 40 रुपये दोगे। तो चलो भाई लाइट ऑन हो चुकी है, तो भाई बहुत झगड़ा करता है, अभी करेंगे बहुत सारी मस्ती। तो पहले दिखाते हैं क्या, देखो देखो इशारा क्या कर रहा है भाई, सिगरेट का इशारा कर रहा है। मैं कल पीता हूँ भाई, पीता है ना उसकी आदत सी पड़ गई है क्या। आओ आओ आ जाओ यार, ये देखो लड़के लोग आ रहे, देख के कैमरे फैन भाग रहा हो ना यार। सब मोहब्बत वाले हैं। तो अभी हम दिखाने वाले अक्षर सिंह कहाँ रहती है, तो उसका गेट दिखाएंगे बाहर से, जिस टावर में रहती है उस टावर का नाम क्या हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। क्या टावर का नाम है, गार्डन स्टेट। तो अभी हम दिखाने वाले हैं, तो आप बने रहो मेरे चैनल पे। तो भाई लोग अभी हम आ चुके हैं गेट पे, गार्डन स्टेट। तो ये वही गेट है, ये तो टावर, ये टावर आप देख रहे हो, इसी टावर में हमारे रवि किशन जी भोजपुरी के जो सुपर स्टार हैं, अभी हमारे भोजपुरी सुपर स्टार होने के साथ साथ भी गोरखपुर से सांसद भी हैं, तो काफ़ी बड़े एक्टर हैं भोजपुरी के, बहुत माने जाने हैं। तो यहीं पे रहते हैं, इनका यहाँ पे फ्लैट है शायद 11वें नंबर पे रहते हैं। तो और यहाँ पे अक्षरा सिंह रहती है, वो उनका फ्लैट रहेगा लगभग 4 नंबर पे, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर यही रहती है, ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी, बहुत बड़ा, मैं तो जानता था काफ़ी समय आते जाते ये रास्ते में पड़ता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चलो बाय बाय।